पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और आखिरी चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इस चरण में 4 जिलों की 35 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के लिए चल रहे मतदान में लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वोट डालने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के लिए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने उत्तर कोलकाता के काशीपुर बेलगछिया के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। उन्होंने कहा, इससे पहले इतना शांतिपूर्ण मतदान मैंने नहीं देखा, सुरक्षा के बहुत अच्छे प्रबंध हैं, इसलिए बधाई देता हूं। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं कोरोना के कारण पूर्व टीएमसी विधायक गौरीशंकर दत्ता का निधन हो गया है। गौरीशंकर ने हाल ही में टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। बठिंडा में एवीसी मोटर्स महिंद्रा कारों की एजेंसी को आज सुबह भीषण आग लग गई, जिस कारण करोड़ों की कारें जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड बठिंडा, गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी और अन्य कई विभागों की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बता दें कि महिंद्रा कंपनी का यह शोरूम बठिंडा मानसा रोड पर स्थित है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तांडव कर रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 63,309 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 985 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 44,76,496 हो गई है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बेकाबू हो चुके हैं। देश में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी महसूस की जा रही है। ऐसे में भारत की मदद के लिए अमेरिका से पहली खेप आज भारत पहुंचने वाली है। केरल के मलप्पुरम जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वीवी प्रकाश का आज सुबह निधन हो गया। 56 वर्षीय वीवी प्रकाश को अचानक सीने में दर्द होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है। कोरोना संकट में भारत को मदद पहुंचाने के लिए रूस ने मेडिकल राहत सामग्री भेजी है। आज सुबह 2 विमान, 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 75 वेंटिलेटर, 150 बेडसाइड मॉनिटर और मेडिसिन लेकर दिल्ली पहुंचे। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 379,257 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,645 लोगों की मौत हो चुकी है।